मेरी विस्तार से जिलाधिकारी और जिले के कप्तान से बात हुई है और आज ही उन लोगों ने कहा है कि वो एक बैठक यहाँ पर करेंगे। और उसके अलावा ये भी देखने में आया है कि रुद्रप्रयाग में कुछ लोग जो अन्य व्यवसायियों में थे, लॉकडाउन के बाद सारे के सारे सब्जी व्यवसाय में उतर आए हैं। मैंने उनसे कहा है कि इसको भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। आज नगर पालिका से और सभी व्यापारियों से मिलकर के वो बैठक करेंगे और सिर्फ उनको ही यहाँ पे सब्जी व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी जो पहले से उस व्यवसाय में है। हम लोगों ने अभी दोनों अपनी चेक पोस्ट पर चिरबटिया और सिरोगढ़ दोनों पर RF बेस्ड CCTV कैमरा इंस्टॉल कर दिया है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हमने सभी मजिस्ट्रेट्स को और थाना इंचार्ज को दिए हैं कि अगर कोई भी ट्रक या यूटिलिटी पास होती है तो उसको पूरी तरह से चेक किया जाए कि उसमें किसी भी तरह से कोई व्यक्ति ना मिले, इसके लगातार हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आगे अगर इस तरह से कोई ऐसा प्रकरण आता है तो हम संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। इसमें हमारे यहाँ जितने लेबरर्स हैं सारे लिस्टेड हैं, इसके प्रत्येक दिन सूचना जो है शासन भेजी जा रही है। अभी दो दिन पहले अगस्तपुनी में एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें कि 24 लेबरर चुपके जा रहे थे और उसमें कुछ विकास नगर के थे, कुछ हिमाचल के थे, कुछ सहारनपुर के थे और कुछ बिजनौर के थे। तो उसे ट्रक मालिक के खिलाफ और ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया 270/2017 IPC 188/2017 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इसमें जो हमारे जनपद के मुख्य बैरियर्स हैं चिरबटिया, सिरोगढ़, गोलदी, यहाँ पे हम CCTV कैमरे लगा रहे हैं। दो जगह लग चुके हैं और वहाँ पे बताया गया कि प्रत्येक ट्रक चाहे वो भरा हो चाहे खाली हो उसको एक बार चेक जरूर करेंगे। इसमें लेबर का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, ये बताया गया कि सिर्फ उसमें ड्राइवर रहेगा, क्लीनर रहेगा, किसी प्रकार का कोई यात्री नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रकरण सामने आए थे जिसमें कि टैक्सी की गाड़ी में भी और एम्बुलेंस में भी यात्रियों का आवागमन कहीं प्रकाश किसी जगहों पर प्रकाश में आया है तो उस संबंध में भी दूसरे ट्रेन जा चुके हैं। एक प्रकरण हुआ था कि रुद्रप्रयाग के लोग बाहर चले गए, कई ऐसा कर रहे हैं कि चेकपोस्ट जहाँ पे वहाँ से पैदल से पहाड़ के ऊपर से जाकर थोड़ा डिटूर लेके आगे उतर जा रहे हैं और फिर कोई उनको गाड़ी मिल रही है तो पैसे लेके चले जा रहे हैं उस तरीके से। तो अभी सारी गाड़ियों की सर्विस चेकिंग के लिए आदेश जारी हो चुके हैं और कल से कंटिन्यूसली चेकिंग चल रही है।